हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन थर्ड ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड इट्स पोयम डियर समर। ओके, एंड रिटन बाई केन नेस्बिट। एंड यू ऑल नो, ऑल ऑफ यू नो अबाउट समर एंड इट इज़ कॉल्ड डियर समर, प्रिय गर्मी। क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों को गर्मी अच्छी लगती है। क्यों? इसमें उन्हें हॉलीडेज़ मिलते हैं, छुट्टियाँ मिलती हैं और वो उसे बहुत ही अच्छे से स्पेंड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इसलिए उन्हें गर्मी बहुत अच्छी लगती है। सो बिफोर गोइंग थ्रू द चैप्टर, फर्स्ट वी विल सी वॉट डज दिस पोएम रिफ्लेक्ट। ओके, सो सी हियर, समर इज़ अ टाइम फॉर फन फील्ड एक्टिविटीज। गर्मी एक ये ऐसा समय होता है जबकि फन फील्ड, मस्ती से भरी गतिविधियाँ की जाती हैं। एंड हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर समर हॉलीडेज, और आप अपनी गर्मी की छुट्टियों को किस प्रकार से बिताना पसंद करते हैं? ओके, तो सभी लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। जब आपको छुट्टियाँ मिलती हैं, आप घूमने जाते हैं, आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, आप कैसे भी बहुत ही अच्छे से अपनी छुट्टियों को एंजॉय करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल रिसाइट दिस पोयम। रिसाइट मीन्स क्या होता है? पढ़ना, कविता को पढ़ना। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। फर्स्ट वी विल रिसाइट दिस पोयम एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो यू गिव कंसंट्रेशन हियर, आप उधर अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके, डियर समर, यू आर ऑलवेज माई फेवरेट। आई रियली डू लाइक यू अ लॉट। यू कम एवरी ईयर एंड आई एम ग्लैड व्हेन यू आर हियर। आई डोंट इवन माइंड दैट यू आर हॉट। ओके, फर्स्ट स्टैंजा इज ओवर, नाउ सी सेकेंड वन। डियर समर, whenever you visit, I love to go outside to play. I get to wear shorts and play summertime sports or sometimes do nothing all day. Third stanza, I put on my goggles and swimsuit and head for the beach or the park. I go for a hike or I ride on my bike and stay awake long after dark. Fourth stanza, dear summer, I am glad you could join us. Without you, it won't be the same. I promise, I know that you do have to go, but still it seems sort of a shame. I am sure that I am going to miss you. The school year is finally here. I had so much fun playing out in the sun. I guess that I will see you next year. Okay? तो इसमें जो केन नेस्बिट हैं, जो पोएट हैं, वो बच्चों की गर्मी की छुट्टियों को इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों को इंजॉय करते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू राइट, यू हैव टू रिसाइट ऑल स्टैंजास, आपको सभी पढ़ने हैं, बट इन योर कॉपी यू हैव टू राइट 8 lines पोएम। ओके, एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट लर्निंग, आप लोग याद करना शुरू करेंगे। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।